हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। हम लोग आ चुके हैं बड़ौदा, सो दिस इज अवर बेस। यहाँ पर बना है पावागढ़ में महाकाली का एक नया टेंपल, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था और ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए। तो हम वहाँ उस टाइम से विजिट नहीं कर पाए थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम आए हैं तो वहाँ जाए। सो हम यहाँ पर सैटरडे संडे के लिए ही आए हैं, बट वी रियली वॉन्ट टू प्लान दिस ट्रिप विद द फैमिली मेम्बर्स। बस तो अभी हम निकल चुके हैं हमारे घर से, सो हम सब फैमिली मेंबर्स निकल चुके हैं। हर्षु गाड़ी चला रहे हैं। हेलो। अभी हम जाएंगे और कृष्णा को पिक करेंगे। कृष्णा थोड़ा ही दूर रहती, बहुत दूर नहीं रहती। कृष्णा को पिक करेंगे, फिर उससे भी मिलवाएंगे। बाय। ये आ रहे हमारे बा हमसे मिलने के लिए, पीछे आ रही है कृष्णा चलते हुए। बाय। सो हाय एवरीवन, सुबह के बजे हैं 7:30 और हम एकदम रेडी होकर निकल चुके हैं। थोड़ी सनलाइट आ रही है कृष्णा पे। कृष्णा कैसा लगा सुबह उठ के? इतना सुबह उठा नहीं गया, बट फिर भी ट्राइड। हमारे घर से निकलते ही जो हाईवे हमें पावागढ़ की ओर ले जाता है, ये वही हाईवे है और ये 4 क्रॉसिंग है, जहाँ से राइट लेके हम सीधे जाएंगे और वही रास्ता सीधा पावागढ़ की तरफ जाता है। इतनी अर्ली मॉर्निंग भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, बिकॉज पावागढ़ का जो रास्ता है वो पूरे ही रास्ते में काफ़ी सारी कंपनीज है, तो ये सारे के सारे घूमने जा रहे हैं। हम नहीं बोल सकते कुछ इसमें से हमारे जैसे होंगे जो घूमने जा रहे हैं, बाकी सारे जो है वो अपने वर्क के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। जैसे आज सैटरडे है तो हो सकता है काफ़ी कंपनीज वर्किंग हो। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, तो पूरा ट्रैफिक जैम हो चुका है। चलो, ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा है, ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये हाईवे में लग गया है जाम, तो ये देखो गाड़ियाँ आगे पीछे से क्रिस क्रॉस हो गई है और ऐसे रिवर्स लेकर सामने सर्विस रोड से लोग जा रहे हैं। हम भी वही करेंगे, बिकॉज गूगल मैप में काफ़ी लंबा जाम दिखा रहा है। ये लग गया है पूरा ट्रैफिक जाम और हम जा रहे हैं सर्विस रोड से। हमको लगी है खतरनाक वाली भूख, लगी है ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो यार रास्ते में दिख रहा है एक ढाबा, हम वहाँ खाएंगे। चलो, यहाँ पे खा रहे बहुत सारे लोग, तो हम भी ट्राई करने वाले हैं। ये रंगोली होटल एंड रेस्टोरेंट। किया चुका है हमारा एक प्लेट समोसा, जिसमें 2 समोसे हैं और ये है चाय। भरेंगे ये चाय के लिए से चाय। और ये आ चुके हमारे भजिए भजिए और समोसे। ये चुके पावागढ़ के, 7:30 बजे निकले थे और खो गए बीच में, तो भी 10 बज गए। और ये आपको पीछे हल्का हल्का पावागढ़ दिख रहा है माउंटेन, अभी बस हम थोड़ी देर में ऊपर पहुंच जाएंगे। रियल चाहा ये हम गेट के पास पहुंच चुके हैं। कौन सा गेट है हर्षे? पावागढ़ ऊपर चढ़ने से पहले आता है उसके सामने ये चापानेर। ये हेरिटेज प्लेसेस में से एक है, टिकट लेकर आप अंदर यहाँ जा सकते हो। कुछ प्लेसेस ओपन भी है जहाँ पर बिना टिकट के भी आप जा सकते हो, तो अगर हमको टाइम मिलता है तो हम यहाँ पे जाएंगे, बिकॉज यहाँ बहुत चलना है और टाइम लगेगा। यहाँ
यहाँ से आपको मिलती है लोकल टैक्सीज, इसमें आप जा सकते हो। यह है गेट, अभी हम एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे रास्ते में आ चुकी है बंदर की फौज पूरी, देख सकते हो। अब यहाँ नीचे से आ रहे हो चढ़ चढ़। ओहो, इधर भी है कहीं पे, ये आया। अरे अरे अरे, मतलब यहाँ कुछ लोग ऐसे खा के गंदा करके गए, उसी को खाने के लिए आए। ये देखो, तो हाय, हम घर से निकले थे कि हम ऊपर मंदिर जाएंगे, जो नया मंदिर बना है वो देखेंगे। बट यहाँ आकर जब हमने पूछा तो पता चला कि सैटरडे संडे के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। रोपवे में भी दो दो घंटे का वेटिंग है, तो हम ऊपर तक नहीं जा रहे। और यहाँ पर जो कुछ थोड़ी ऑफ बिट प्लेसेस है उसको हम इन्जॉय करेंगे, और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो स्टे ट्यून, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी ऐसे फोर्ट जैसी जगह पर हम जा रहे हैं। चल के ट्रैक करके जाना है। सात कमान के सामने ही एक पुराना किला जैसा है, जहाँ पर ऐसे अंदर अंदर जा सकते हैं। हाय, हम हमारे बूढ़े बुजुर्गों को सहारा दे रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को। जैसे कि हम किले के एकदम अंदर आ चुके हैं थोड़ा ट्रैक करके, यहाँ से जो आगे रास्ता जाता है वहाँ पर मॉनसून में बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं। मॉनसून में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग स्पेशली वाटरफॉल को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं। जय माता जी, जय माता जी। ये यहाँ से हम जा रहे हैं थोड़ा नीचे। सो ये फोर्ट का पीछे का हिस्सा है, और यहाँ से ऐसे स्टेप्स बनाए गए हैं। जैसे आप स्टेप पे नीचे उतरते हो आपको मंदिर सीधा सामने दिखता है। सो इसके एग्जैक्ट नेक्स्ट वाले माउंटेन पर ही काली माता जी का मंदिर है। ये लोग यहाँ गुम हो चुके हैं, और ये छुटको, बाय बाय। ये एक पुराने किले वाला रास्ता है, पर हम वहाँ नहीं गए और हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ से लोग कुछ देख भी रहे हैं, ऐसा मुझे व्यू ब्लॉक हो रहा है। सो यहाँ पर सांप भी आ सकते हैं। वो ये देखो, यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हम और नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर एक जब ऐसा बेंच है, यहाँ पे फोटो बहुत मस्त आएगी। ओह माय गॉड, देखो यहाँ से इतना ब्यूटीफुल व्यू है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये वो टेंपल है महाकाली माता जी का। और हम इतना नीचे हैं, मतलब अभी कि हम इतना ऊपर तक नहीं जा पाए। एक ये यहाँ से आप देख रहे हो, ये स्टेयर्स, वहाँ से निकल के ये वाली बालकनी में जा सकते हैं। मतलब ये जो किले की झरोखा होता है वहाँ पे जा सकते हैं शायद, और उसके लिए ये वाला रास्ता है, ये जो फ़िलहाल के लिए बंद किया गया है। और यहाँ से निकलते ही यहाँ जा सकते हैं।
वाओ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये उसका हिस्ट्री है और ये वाली जगह, कुछ लोग हैं इधर ऐसे दो तीन, थोड़े छूट मूट लोग इधर हैं हमारे जैसे जो भीड़ में नहीं जाना चाहते। और ये हम जा रहे हैं वापस किसी और जगह घूमने। कान का अलग ऐसे नानू नानू फर्क ऐसे शूट कर लियो। यस जो ग्रुप फोटो पड़ी रहा था बाइक लेना है सिर्फ बॉटल फेंक ओ बेबी तो बुरी हो गई। ओ यस हे गाइस गाइड लेना आया था मेरे को। ये हम बीच में खा रहे थोड़े से चाम्फड़ कि हमको इस काट के दे रही है क्योंकि हमको अंदर खाना है गाड़ी में। सो अभी हम निकल चुके हैं पावागढ़ से, थोड़ा आगे शिवराजपुर करके एक जगह है, वहाँ का एक लोकल फूड बहुत ज़्यादा फेमस है, मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी लोग स्पेशली खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो अभी हम यहाँ तक आए तो सोचे हम भी वो टेस्ट करें और हम भी वो सब खाने के लिए जा रहे हैं। ये पूरा ही रास्ता इतना पीसफुल लग रहा है, अभी दोनों तरफ इतने सारे ट्रीज है कि सारे ही रास्ते पर ऐसे छांव आ गई है। ये वाला जो पूरा एरिया है वो फॉरेस्ट टेरिटरी में आता है और यहाँ पर काफ़ी जगह बोर्ड्स भी लगाए गए हैं कि आपको एनिमल दिख सकते हैं या फिर दिखे तो क्या करना चाहिए, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर काफ़ी जगह बोर्ड्स में लगाया गया है, तो अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो तो वो हेल्पलाइन नंबर आप यूज़ कर सकते हो। सो ये हमारा खाना आ चुका है, ये है मक्के की रोटी और ये लहसुन की चटनी और ये सैलड, ये भी हम सब खाएंगे मिलके। अभी बस हम घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, खा लिया हम लोगों ने, अभी हम जा रहे हैं घर। मक्के की रोटी और लहसुन की चटनी खा के हम निकल चुके हैं हमारे घर जाने के लिए। सो मेरा पर्सनल रिव्यू अगर मैं आपको दूँ, जैसे सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो मुझे मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इतनी सॉफ्ट बनाई थी सो वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। बट जो लहसुन की चटनी थी उसमें कुछ इतना वेराइटी नहीं था, सिंपल गार्लिक ऑनियन को बहुत सारे तेल में सॉटे करके दे दिया था। सो अगर आपने भी वहाँ पर ट्राई की है मक्के की रोटी और ये लहसुन की चटनी, आपके क्या रिव्यू रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जस्ट कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। वाटरफॉल मजा आई।